चलिए भाई साहब, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। और वही वाली बात है, मैं देर करता नहीं हूँ, देर हो जाती है। और बड़े दिनों के बाद में, जब बहुत दिनों के बाद में आया तो मुझे यहाँ तक आने में समय लगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शुरू करने जा रहा हूं मैं आज, आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश जिलेवार। उससे पहले आप सभी की डांट फटकार मुझे स्वीकार है, साथ ही साथ में आप लोगों का जो मनमुटाव मेरे लिए है वो भी समाप्त कर लीजिए। और मैं आपको बहुत विशेष बात बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। विशेष बात यह है मेरे दोस्त कि आपको लग रहा है कि एमपीजी के सर समाप्त हो गया, तो भाई सुनो थोड़ी सी एक बात, शुरुआती दौर में समझ लो, सुन लो, और अपने सभी सहपाठी और मित्रों को, सबको एक बता दो। मैंने कुछ खत्म नहीं किया, मैंने कुछ बंद नहीं किया है। मैंने जो कहा था कि आपको कंप्लीट कराऊंगा, हाँ जी हाँ, 52 जिले कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे 53वां बन जाएगा 53 भी करूंगा, 54 बन जाए 54 करूंगा, 55, 56, 58, 60, 62 जितनी बोली लग जाए। ये हालांकि बोल नहीं है, बात ये है कि जब से ये ऑनलाइन का अपन, जब से हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है मेरे भाई कि ऑफलाइन से ज्यादा समय ऑनलाइन में जाता है और मेहनत भी उसी प्रकार से लगती है। साथ ही साथ में लाइव आने के लिए मुझे प्रेजेंट होना पड़ता है, और उसके लिए आप सभी को एक बेहतर डाटा और एक बेहतर बहुत अच्छी उम्दा शिक्षा देने के लिए जो कंटेंट की आवश्यकता होती है वो सभी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं डेली आकर भी, अगर मान के चलो मैं डेली और आपका समय भी नष्ट करूं तो वो भी मुझे शोभा नहीं देता है। इस कारण से देर दुरुस्त हो सकती है, लेकिन एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको देना हमारा प्रथम उद्देश्य है, प्राथमिकता इसे हम देते हैं, ठीक है ना। ईद के चांद हो गए आप तो, नमस्कार भाई और डूंगर जी, जय श्री महाकाल, रेखा बडोले, अनीता, संध्या सोलंकी और कृष्ण कुमार डोडवे जी, सोनू मीणा और जी भाई जग्गू, सीमा वशकन्या, सोनू मीणा, दिनेश कुमार जी, दिनेश निनामा जी, स्वागत है आप सभी का। तो समझ में आ गया, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये देखिएगा समय नया है, समय जो है इस समय पर जल्दी से आप लिंक शेयर कर दीजिए। रीजन सुनिए उसका, लिंक शेयर करने का, जल्दी से लिंक शेयर कीजिए और जल्दी जरूरत पड़े तो किसी को फोन लगा के मैसेज करके तुरंत इंतला कीजिए कि अभी तक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि कभी आज तक चार बजे इवनिंग टाइम में एमपीजीके की क्लास नहीं रही है, एमपीजीके की क्लास कभी नहीं रही है। तो वो कारण भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं कि इस समय पर क्लास है। तो राजस्थान की परीक्षा में देवेंद्र झांझरिया का भाला फेंक से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया था। मैं आपको बता दूं, मैंने जो स्पोर्ट्स पढ़ाए थे उसमें कुछ बच्चे उसमें भी शिकायत कर रहे हैं कि सर स्पोर्ट्स को आपने बीच में क्यों बंद किया। तो भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्पोर्ट्स बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्पोर्ट्स कंप्लीट हो गया है। जो स्पोर्ट्स में पढ़ाना था वो स्पोर्ट्स में पढ़ा दिया है। और राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा हुई है, सुरेश भाई मैसेज कर रहे हैं, रेखा दांगी का भी मैसेज है, रेखा दांगी ने भी एग्जाम दिए, स्पोर्ट्स से 4 से 5 प्रश्न एज इट इज निकल कर आ गए। जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था उसमें कौन हारी थी, कोरिया की टीम जो थी वो आप बात करते हैं, क्रोएशिया की टीम थी वो हारी थी। साथ में जयवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध पूछ लिया था, राजस्थान में कहां का जन्म है, देवेंद्र झांझरिया का संबंध किससे है, ठीक है ना। ओके, तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिलेवार जो जिलेवार मध्य प्रदेश की सीरीज है, जो जिलेवार मध्य प्रदेश आपका मैं पढ़ाता रहूंगा, YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप निश्चिंत रहिए जिस भी जिले से। ये शाजापुर जिला जो है ये संभाग उज्जैन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, संभाग उज्जैन की बात करूं तो संभाग उज्जैन का अंतिम जिला है, और इसके बाद में मैं आपको सागर संभाग शुरू करने जा रहा हूं। तो जो भी लोग सागर संभाग से, मतलब सागर जिले से, दमोह से है और पन्ना से, छतरपुर से, टीकमगढ़ से, निवाड़ी से, रेडी हो जाओ, आप लोगों के जिलों के नंबर आने वाला है, ठीक है भाई। और बनास नदी किसकी सहायक नदी, ऐसा करके भी आ गया था, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। चलिए, राम राम भाई, पार सिंह जी, पवन पाटीदार, अनुष्का चौहान, ड्रीम यूपीएससी, प्रश्न तो बनेंगे, जो हमने पढ़ाया उससे प्रश्न तो बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पढ़ाए जा रहे हैं, समय खराब हो रहा है और प्रश्न ना बने, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं, ठीक है ना। चलिए रेडी हो जाइए, आप पढ़ना शुरू करते हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आज आपको, मैं पढ़ा रहा हूं जिला शाजापुर। कौन सा जिला पढ़ा रहा हूं, जिला शाजापुर। ये हमारे बड़े पसंदीदा जिलों में से बच्चों का है कि शाजापुर जिले से बड़े भारी बच्चे आते हैं, जिला शाजापुर। तो यहीं से आप क्लियर कीजिएगा, जिला शाजापुर आता है और संभाग कौन सा आता है, संभाग आता है उज्जैन। कौन सा संभाग आता है, तो पहला प्रश्न हो गया,
कि शाजापुर जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? उज्जैन संभाग में आता है। उज्जैन संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं? तो टोटल जो होते हैं 7 जिले आते हैं। अच्छा, उज्जैन संभाग की अगर पूरे संभाग की बात पूछ ली जाए, बोले उज्जैन संभाग पूरा उज्जैन, पूरा उज्जैन का मतलब उज्जैन हुआ, देवास हुआ, शाजापुर हुआ, आगरमालवा हुआ, नीमच हुआ, मंदसौर हुआ, रतलाम हुआ, कौन से क्षेत्र में आता है? तो याद रखिएगा, ये मालवा क्षेत्र में आता है। कौन सा क्षेत्र में आता है? मालवा, मालवा क्षेत्र है ये। अगर पूछा जाए कि आपका खंडवा हुआ, आपका खरगोन हुआ, आपका बड़वानी हुआ, ये सब किस में आते हैं? तो हम क्या कहते हैं? निमाड़ में आते हैं। ठीक उसी तरह से पूरा उज्जैन संभाग किस में आता है? मालवा में आता है। तो शाजापुर किस में आएगा? मालवा में आएगा। क्लियर हुआ आपको यहां से? ठीक है ना। नीमच जिले का पार्ट टू भी अपलोड कर देंगे जी शाहरुख जी, बिल्कुल कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। ठीक है ना जी। सोनू झाला जी, रतलाम के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। ओके, जितना पढ़ाया है, जहां से मैंने पढ़ा दिया है वहां उस एरिया का तो पर्याप्त है, लेकिन उससे आगे जो बच गए वो पढ़ाना भी बाकी है। ठीक है ना। राजकुमार पटेल सर, आज आपको मैं देखा हूं, बहुत बढ़िया भाई, दर्शन हो गया हमारे तुम्हें है? ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट पर आइएगा। शाजापुर जिला ये देखिएगा, ये है मध्य प्रदेश का, ये है मध्य प्रदेश का नक्शा। इस मध्य प्रदेश के नक्शे को अगर मैं करता हूं जूम, यह मध्य प्रदेश का नक्शा है। इस मध्य प्रदेश के नक्शे में बिल्कुल बारीकी से दिखाता हूं मैं, देखिएगा मध्य प्रदेश का नक्शा। इस मध्य प्रदेश के नक्शे में बात करता हूं पहले मैं उज्जैन संभाग की, तो देखिएगा उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। नंबर 1 ये उज्जैन हो गया, नंबर 2 ये देवास हो गया, नंबर 3 ये शाजापुर हो गया, नंबर 4 ये आगरमालवा हो गया, नंबर 5 रतलाम, नंबर 6 मंदसौर, नंबर 7 नीमच। तो देखिएगा, ऐसा नहीं है कि नंबर 1 बोला तो उज्जैन ही पहला, देवास दूसरा, तीसरा शाजापुर, ऐसे तो 7वां आगरमालवा हुआ। मैं कह रहा हूं कि 7 ऐसे जिले हैं जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। इन 7 जिलों में से उज्जैन पढ़ा चुका हूं, देवास पढ़ा चुका हूं, आगरमालवा हो चुका है, नीमच हो चुका है, मंदसौर हो चुका है, रतलाम हो चुका है, अब आया है शाजापुर का नंबर, और फिर बात मैं करूंगा सागर की। ठीक है ना। तो शाजापुर जिले की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा भाई मेरे, शाजापुर जिले की स्थिति को देखिएगा। शाजापुर जिले की स्थिति देखना है तो मैं इसकी जो लाइनें हैं इसे मैं और बोल्ड कर देता हूं, मोटी कर देता हूं यहां से, ताकि आपको शाजापुर जिला और समझने में आसानी हो। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, क्योंकि भौगोलिक स्थिति बदल चुकी है। एक समय था आगरमालवा जिले के निर्माण से पहले, एक समय था जब शाजापुर जिला राजस्थान की सीमा को छूता था। अब यहां पर देखोगे आप, यहां पर देखोगे आप तो यहां पर यह देवास जिले को स्पर्श करता है, यहां देखोगे आप तो ये उज्जैन जिले को स्पर्श करता है, पश्चिम में उज्जैन जिला आ जाता है, इधर आप देखोगे दक्षिण पश्चिम में देवास आ जाता है, ये दक्षिण पूर्व में आपका सीहोर आ जाता है, पूर्व में भी सीहोर आ जाता है, ऊपर आपका उत्तर में राजगढ़ आ जाता है, और यहां पर उत्तर पश्चिम में आपका आगरमालवा जिला हो जाता है। मतलब कि आगरमालवा 1, उज्जैन 2, देवास 3, सीहोर 4, राजगढ़ 5, 5 जिले शाजापुर की सीमा को स्पर्श करते हैं, 5 जिले शाजापुर की सीमा को स्पर्श करते हैं। बोलो हां। अलीराजपुर जिला किस में आता है? जितेन रावत। अलीराजपुर जिला इंदौर संभाग में आता है, और जो झाबुआ से अलग हुआ है। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है भाई, ऐप पर टेस्ट भी हो जाएगा, ऐप की बात छोड़ दो, ऐप की बात ही नहीं करो। ठीक है ना, ठीक है। प्रीतम पटेल स्वागत है भाई। चलिएगा, तो शाजापुर जिले की बात करें तो शाजापुर जिला किसी दूसरे राज्य को नहीं छूता है, बल्कि अपने ही राज्य के अपने पड़ोसी 5 जिलों को छूता है। 1 आगरमालवा, 2 उज्जैन, 3 देवास, 4 सीहोर, 5 राजगढ़, और ये सब मालवा के हैं। आगे बढ़ जाएं, ये देखिएगा, ये है मध्य प्रदेश के नक्शे में शाजापुर की स्थिति। यहां पर है शाजापुर, पश्चिमी जिला है। देखिएगा भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, अब यहां से प्रश्न निकालिएगा। गठन कब हुआ? तो 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तब गठन हुआ, लेकिन आजादी से पहले, आजादी से पहले जहां से शुरू कर रहा हूं वही इतिहास ले जाकर छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1904 में, बोलो कब, बोलो कब, बोलो कब, मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश तो बना 1956 में, भारत आजाद हुआ 1947 में, मध्य प्रदेश बना 1956 में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब भारत ही आजाद नहीं हुआ था तब 1904 में जो ग्वालियर रियासत के अंदर आता था ये शाजापुर, इसी शाजापुर को 1904 में ग्वालियर रियासत का एक जिला बना दिया गया था। ग्वालियर रियासत का क्यों, ये आगे समझाता हूं, अभी आगे समझाता हूं। बोलो हां, पल्ले पड़ रही है ना सब, ठीक है, देखिएगा आगे पढ़िएगा। प्राचीन नाम शाजापुर को आज बहुत सारे बच्चे जो बैठे हैं इनमें से भी कहेंगे कि सर शाजापुरी तो कहते हैं, लेकिन कुछ कहेंगे शाहजहांपुर कहते थे, लेकिन उसके अलावा भी क्या कहते थे, देखिएगा। कांकरा खेड़ी,
या उसे लोग गांव के लोकल लोग कहते हैं खाखरा खेड़ी, और खाखरा का पेड़ होता है, क्या होता है, खाखरा एक पेड़ होता है, गांव में जाओगे तो पता चलेगा खाखरा एक पेड़ होता है, खानड़ी खेड़ा, और बाद में जाकर इसका नाम पड़ा था शाहजहांपुर, लेकिन वर्तमान में तो इसका नाम क्या है, शाहजहांपुर। तो हम देखते हैं कि शाहजहांपुर कैसे पड़ा और शाहजहांपुर से फिर शाहजहांपुर कैसे पड़ा, और शुरुआत में तो यहां वृक्षों की खाखरे वृक्ष की अधिकता के कारण कहते हैं इसका नाम खाखरा खेड़ी था। क्या नाम था, खाखरा खेड़ी। खेड़ी का मतलब होता है पूर्व निवास स्थान, वो वाला। जय सुरेश अली राजपुर बेटा, एक ही कमेंट्स को 25 बार ना किया करो, हो गया अगला कमेंट्स करो कुछ, ठीक है ना। राजगढ़ जिले का नंबर कब आएगा, आएगा भाई। क्षेत्रफल की बात करें 6,195 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के 24वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल में। वही जनसंख्या के घनत्व की बात करूं तो 224 प्रति व्यक्ति जो है, प्रति किलोमीटर में व्यक्ति 18वें नंबर पर आता है। जनसंख्या घनत्व में आपको हर बार बताता हूं जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है जहां पर आप खड़े हो वहां से 1 किलोमीटर दाएं, 1 किलोमीटर बाएं, 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर पीछे बराबर नाप लो, उसको सर्कल से ऐसा घुमाकर गोल कर दो, जब देखा जाए कि आपके आसपास पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं औसतन एवरेज, जरूरी नहीं है कि मैं, हो सकता है कहीं की जगह बहुत बड़ी वो डीजे पार्टी चल रही हो और वहां पर 50 से ज्यादा लोग वहां पर हजारों में जनसंख्या इकट्ठी हो तो फिर ये आंकड़ा फेल हो जाता है। लिंगानुपात होता है 938। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, प्रति हजार पुरुष, और ये 25वें नंबर पर है। प्रति हजार पुरुष मतलब वो कहते हैं कि शाहजहांपुर में ये लड़के एवं लड़कियों का लिंगानुपात है, मतलब कि उनका अंग्रेजी में कहे सेक्स रेशो या फिर उनकी संख्या। 1000 जब लड़के जन्म लेते हैं या फिर मैं कह सकता हूं 1000 पुरुष है तो वहां पर 938 महिला या 938 लड़कियां हैं। मैं आपको कितनी बार समझा के कहता हूं, मैं कहता हूं कि यदि लड़कों की पूर्व लड़कों की शादी करनी है तो इस हिसाब से अगर शादी होगी तो 62 लड़के कुंवारे रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि लड़कों की तुलना में लड़कियां 62 कम है, मतलब कि लिंगानुपात जो होता है वो 938 है। मैं बार बार बताता हूं आपको कि 4 ऐसे जिले हैं जिसमें एक है आपका बालाघाट जिला, दूसरा आपको मैं बताता हूं आपका कि जिसमें बालाघाट जिला हुआ, फिर आपका डिंडोरी जिला हुआ, फिर आपका अलीराजपुर जिला हुआ और चौथा हुआ आपका मंडला जिला। ये 4 मात्र ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अर्जुन सिंह मीना स्वागत है भाई, प्राची कर्मा बहुत बार ऐसा बताया फिर भी समझ में नहीं आ रही लोगों ने। नदी चिलर नदी, जिसे आप कहीं कहीं पर चिलर नदी के नाम से भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, चिलर नदी, काली सिंध नदी, नेवज नदी और पार्वती नदी जिला शाहजहांपुर को स्पर्श करते हुए जिला शाहजहांपुर से प्रवाहित होती है, तो ये नदियां भी प्रश्न पूछ लेता है। आप देखिए, एक बच्चे ने मुझे ये तक बताया है, ठीक है ना, पूरे मन से पढ़ा देंगे नवल किशोर राठौर, धन्यवाद भाई, आशादी पूरे मन से पढ़ा देंगे, टोटल 52 जिले, ठीक है ना। आपको यहां से क्या समझना है जल्दी से सुनिएगा, 1956 में इसका गठन हुआ, लेकिन 1904 में जब ग्वालियर रियासत में था, ब्रिटिश प्रांत में, तब ये जिला गठित हो गया था। साथ में देखिएगा, कांकरा खेड़ी या खाखरा खेड़ी शाहजहांपुर का नाम रहा है, खानड़ी खेड़ा भी इसका नाम रहा है, शाहजहांपुर भी इसका नाम रखा गया है। अभी भी अगर आपने देर की है तो जल्दी से लिंक शेयर कर दो, कारण यह है कि पता नहीं है बच्चों को कि 4 बजे भी एमपी जीके की क्लास कभी पढ़ाई है, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं पढ़ाई है, तो समय का थोड़ा सा इशू सामने आ रहा है। फिर भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पर जाऊं मैं, ठीक है, ये देखिएगा, तहसील की बात करते हैं तो जिला शाहजहांपुर में कौन कौन सी तहसील है ये देखिएगा। जिला शाहजहांपुर में एक तो हो गया आपका स्वयं शाहजहांपुर तहसील होगी, दूसरी है मोहन बड़ोदिया, फिर है आपकी सुजालपुर, फिर है चौथी आपकी गुलाना, पांचवी है आपकी काला पीपल, छठी है अवंतीपुर बड़ोदिया और सातवीं है पोलाई कला। याद रखिएगा, आज से 3 साल पहले 2017 में पोलाई कला और अवंतीपुर बड़ोदिया ये दोनों तहसीलें नहीं बना दी गई, वरना इससे पहले आप जब भी सर्च करोगे, सुनना बेटा ध्यान से आप सर्च करोगे नेट पर तो आपको मिलेगा नक्शे में 5 तहसीलें। कितनी तहसीलें मिलेगा, 5 तहसीलें। वो 5 तहसीलों में से मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर तहसीलें कितनी हुई, 7, तो 2 कम,
दो कम मिलेगी, एक मिलेगा अवंतीपुर बड़ौदिया कम मिलेगा, दूसरा पोलाई कला मिलेगा। उनके पास अभी उन्होंने अपडेट नहीं किया, बल्कि ये दोनों तहसीलें कई वर्षों से बन चुकी है। तो शाजापुर जिला उज्जैन संभाग का जिला, उज्जैन संभाग मतलब कि मध्य प्रदेश में 52 जिले, 10 संभाग, 10 में से उज्जैन संभाग, उज्जैन में 7 जिले, 7 में से शाजापुर जिला, शाजापुर जिले में 7 तहसील। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखिएगा, शाजापुर जिले में 7 तहसील है, अवंतीपुर बड़ौदिया, पोलाई कला, शाजापुर, सुजालपुर, गुलाना, मोहन बड़ौदिया और काला पीपल। क्लियर हो रहा सभी को? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो ममता, जल्दी करना पड़ेगा, आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा ना। फिर हम अलीराजपुर वाले हैं, फिर भी हमारी शादी नहीं रही आशु सोलंकी, क्या करे भैया, जा तो बहुत दुखद बात कह दे भैया तुमने। ओके भाई, शाजापुर से हैं प्रवीण सेन जी, पढ़ो आप शाजापुर के बारे में, ठीक है ना। भाई संविधान की क्लास इसलिए लग रही, शर्मा सर अभी है नहीं मौजूद इस कारण से, ठीक है ना। देखिएगा, शाजापुर मालवा के पठार का हिस्सा और इसकी बोली मालवी है। कई किरिया दादा, आ तमार से किरियो, हुज बात कर रहे हो, तमार से हुज किरियो कि शाजापुर जो है अपनो शाजापुर यो मालवा में आया है, ने इकी जो बोली आए वो मालवी आए है। कांदा बेची लिया हो, सब काम हुई गयो हो, दिवाली का सब मस्त झकास हुई गया हो, तो आई जाओ फिर दीपाली का वादे, दीपाली का वादे पढ़ाएंगे फिर ठीक है ना भाई। ओके, पोलाई से हो, बहुत बढ़िया अभिषेक चंद्रवंशी जी, पोलाई से हो आप, ठीक है। शाजापुर को प्रारंभ में खांकरा या कांकरा खेड़ी के नाम से जान, भाई दिमाग में बैठा लेना, हर एक चीज ठीक से पड़ेगी। ये जो पढ़ाया इसको लेके आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि मैं समझा नहीं दूं। मैं फिर से कह रहा हूं, तहसील की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं उज्जैन संभाग, संभाग 10, उसमें से एक उज्जैन संभाग, उज्जैन संभाग तीसरा संभाग जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं, उज्जैन संभाग में 7 जिले, 7 में से एक शाजापुर जिला, शाजापुर जिले में 7 तहसील। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर बात करता हूं, शाजापुर जो होता है मालवा के पठार में आता है। मैंने आपको एक बहुत बढ़िया प्रश्न बताया, पूरा उज्जैन संभाग ही मालवा के अंतर्गत आता है। इसे खांकरा खेड़ी या कांकरा खेड़ी के नाम से जाना जाता था मुगलों के पांचवें शासक शाहजहां। पांचवें शासक मतलब कि पहला शासक था बाबर, बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का जो बेटा था वो था अकबर, और अकबर का जो बेटा था वो था जहांगीर। जहांगीर को ही कहा जाता था सलीम, किसे कहा जाता था सलीम, और अनारकली का किस्सा, और जहांगीर का बेटा था फिर कौन सा, शाहजहां। तो ये हो गया पांचवा। तो मैंने क्या लिखवाया है, पांचवा शासक शाहजहां इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता से बहुत आकर्षित हुआ। शाजापुर जो वर्तमान में है उस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, मेन रूप से जहां वर्तमान में शाजापुर तहसील है, वो उस जगह को देखकर बड़ा आकर्षित हुआ, ठीक है ना, बड़ा आकर्षित हुआ। हाँ भाई साहब, अब भाई मैंने आपसे क्या कहा, जो अभी अभी और लोग जुड़ चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। सर उन आओ फिर कभी आएंगा दादा, तम बुलाओ तो, तम बुला ही नहीं रिया है, बुलाओ तो सही। तम यू कह रही हो कि इना लेक्चर से पहले भी वो बता रही हो, तो कि ये जो लेक्चर है मध्य प्रदेश को जिलेवार, यो पूरों को पूरों ने 52 जिला तक हूँच पढ़ाऊंगा भाई। ने जो ये किरिया था आज से थोड़ा दिन पहले तक, ना दूसरा का किणा पे, ना बता बता के खूब हुंडाला खरिया था कि साहब तुमने तो की थी कि तो सगलो पढ़ाऊंगा, ना सगलो पढ़ाने के बजाय ना 15-17 ना जिला पढ़ा के ना चली गया। तो यूं कह रही हूं कि तुम भैया शांति रखो, थोड़ा थांबे जाओ, हूं पढ़ाऊंगा या पढ़ाना में बड़ी दिक्कत आई रही, नरा नरा मतलब तरह तरह का जिगन हुई रहा दादा, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। आगे देखो, ये जो है इससे क्या निकला, इससे क्या निकल कर आया कि 7 तहसीलों वाला शाजापुर जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, ये मालवा के पठार में आता है, बोली यहां की मालवी होती है। हंजू कही तो हंजू फिर आगे बढ़ू तो हूं यू किरियो तो कि पांचवा जो शासक था कौन, शाहजहां, वही जिसने अपने पत्नी की याद में ताजमहल बनाया था। तो तुम लोग कहते हो कि वाह इससे ज्यादा तो प्रेम करने वाला कोई नहीं था जिन्हें ताजमहल बनवा दियो। तो यू किरियो की जादे मुमताज मरी रही थी जब शाहजहां का हाथों में हाथ डाल के ना हाथ पकड़ी के दो वचन लिया था, पहलो वचन यो कि हूं अगर मरी जाऊं तो असो 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 मकबरो बनाई जो कि जो पूरा दुनिया में कई कहीं हो इतना सुंदर तो उन्हें की बिल्कुल बनवाऊंगा ना। जब दूसरी उन्हें की थी कि हूं मरी जाऊं तो ब्याह मत कर जो दूसरो तुम्हारी मारी सो है, तो शाहजहां ने ब्याह कर लिया था,
तो वो काई का प्यार करता था, बोलो है कि नहीं है, है ना। चलो भाई, चलो भाई नेक्स्ट पर जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी देर में इतना ही टाइम मिलेगा बस। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, इस अनुपम सौंदर्य, मतलब बात कर रहा हूं शाहजहांपुर में, जब उसे सुंदरता पसंद आई, मतलब उसे अच्छा लगा वो, इस अनुपम सौंदर्य के कारण शाहजहां ने अपनी सेना के साथ विराम किया, रुका वो, उन्होंने कहा यही रोटी खाएंगा फिर आगे जाएंगा, तो वो रुका, तो क्या हुआ, और जब शाहजहां शासक बना, जहांगीर के समय पर शासक नहीं था, तब दक्षिण अभियान, मतलब कि जब वो बाहर दक्षिण में जाते थे दक्षिण की ओर, तो उस दक्षिण अभियान की बात कर रहे हैं, तो इस स्थान को विशेष महत्व दिया तथा इस क्षेत्र को शाहजहां के समय पहचान मिली। मतलब कि जो खांकरा खेड़ी थी वो एक जंगली क्षेत्र था, पर आज कहने में बड़ा सा दुखद महसूस होता है कि सबसे छोटा वनवृत्त है शाहजहांपुर, लेकिन शाहजहां ने इसे एक पहचान दिलाई। तो वो कह रहा, शाहजहां का कार्यकाल जब तक रहा तो 1640 में मीर बिगो कोटवाल, अब यहां से बहुत सारे लोग जो शाहजहांपुर के हैं उन्हें भी जो नई चीज पता है वो मैं बताता हूं, वो समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कह रहा हूं मीर बिगो कोटवाल नामक व्यक्ति को 1640 में शाहजहां ने इस स्थान का प्रमुख नियुक्त किया। प्रमुख का मतलब होता है क्या, राजा मान लो, कि उन्होंने बताया कि भाई ये जो जगह है, ये खांकरा खेड़ी, इसको तुम थोड़े से संभालो, ये बहुत अच्छी जगह है, जब भी हम दक्षिण भारत की ओर जाएंगे, जब भी हम हयाड़ी से आएंगा तो यहीं से रुकते हो फिर हयाड़ी को जाएंगा, तो उसने कहा इस जगह को संभालो, ठीक है ना। तो मीर बिगो ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम है जगन्नाथ रावल, इस जगन्नाथ रावल के साथ मिलकर चारों दिशाओं में चार द्वार निर्मित किए, मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ये गांव है तो इसकी सुरक्षा के लिए एक गेट इधर बनवाया, एक गेट जो था वो इसका इधर बनवाया, एक गेट इधर बनवाया और एक गेट इधर बनवाया, चारों दिशाओं से प्रवेश करना पड़ता, तो गेट से मुख्य द्वार से प्रवेश करना होता था। बोलो हाँ, ये जगन्नाथ रावल कौन है, तो रुकी जाओ भाई, थांबा जाओ, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में हूं बता रही हूं कौन है, ठीक है ना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, ठीक है आगे बढ़ो। दलिका ठाकुर कमेंट्स आते बेटा, सबके मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूं, मैं रिप्लाई नहीं करता हूं बस, ठीक है ना। ये देखिएगा नेक्स्ट पर, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, चारों द्वार के मध्य एक व्यापार केंद्र विकसित किया गया था। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि उस क्षेत्र का विकास करना शुरू हो गया था, विकास होना शुरू हो गया था, अब वो क्षेत्र लोगों की नजर में आने वाला था। वो क्षेत्र जब लोगों की नजर में आने वाला था तो यहां पर देखिएगा, विकास के बढ़ते सोपान, मतलब कि विकास बढ़ने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, विकास मतलब डेवलपमेंट, ऐसा नहीं विकास मतलब कि साझा को एक छोरो थो जो बढ़ने लगियो मतलब हूं बड़ो ही गयो, विकास का मतलब डेवलपमेंट, और धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ने के बाद में आबादी बढ़ने लगी, मतलब लोग रहने लगे और वह स्थान नगर के रूप में परिवर्तित हो गया। मतलब क्लियर बात है कि शाहजहांपुर को जो पहचान मिली वो शाहजहां किसके समय पर मिली थी, शाहजहां के समय पर मिली थी। इस कारण से ध्यान से सुनिएगा, शाहजहां ने अपने विकास कार्यों से संतुष्ट होकर, शाहजहां ने बहुत सारी चीजें बनवाई, जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, तो दीवाने खास वगैरह, उससे खुश होकर श्री जगन्नाथ रावल, पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना श्री जगन्नाथ रावल, हाँ उसी जगन्नाथ रावल को मोजा मगरिया, एक रियासत थी वहां की, जागीर दे दी। तो श्री जगन्नाथ रावल वो व्यक्ति है जिसको इनाम में जागीर मिली थी शाहजहांपुर की, कौन सी, मगरिया जागीर। और इससे पहले आपने जो पढ़ा था जिसे प्रमुख बनाया था, दोनों ने मिलकर चार द्वार बनवाए थे, ठीक है ना। मिथिला भला भी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी बेटा, कौन सी क्लास की, एप की बोल रहे हो, एप की बोल रहे हो या फिर वहां की बोल रहे हो, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट देखिएगा, खांकरा खेड़ी के राजा ने शाहजहां के सम्मान में इस क्षेत्र का नामकरण शाहजहांपुर रखा था। क्लियर हुआ आपको, खांकरा खेड़ी का एक राजा जो शाहजहां ने बनाया, उसने शाहजहां का सम्मान करते हुए शाहजहां के आने पर उस जगह का नाम खांकरा खेड़ी से बदलकर शाहजहांपुर कर दिया। पुर मतलब कि होता है एक स्थान, शाहजहां का स्थान है ये, ठीक है ना। ठीक है भाई ठीक है सर। ओनली एमपी की क्लास मिल जाएगी क्या,
आप कोचिंग के नंबर पर बात कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट पर देखो, शाहजहांपुर में, मतलब कि शाहजहांपुर में 12 क्षेत्र ऐसे थे, 12 क्षेत्र थे, कौन कौन से जिले को मिलकर शाहजहांपुर बना था। मगरिया, ये मगरिया मैंने श्री जगन्नाथ की बात की, इसे जागीर मिला था। महूपुरा, डांसी, मुरादपुर, इसे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इस मुरादपुर को समझिएगा, पहले समझिएगा, मुरादपुर, वजीरपुरा, कमरितपुरा, लालपुरा, दायरा, मुगलपुरा, गोल्याखेड़ी, जुगनबाड़ी और मीरकला, ये 12 ऐसे क्षेत्र थे जिनसे मिलकर एक जगह बनी थी जिसका नाम है शाहजहांपुर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखेंगे। मुरादपुर शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर था, मुरादपुर शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर था। मुरादपुर तो गया, लेकिन आज की तारीख में एक तहसील है जिसका नाम है सुजालपुर। यह सुजालपुर तहसील, शाहजहांपुर की सुजालपुर तहसील का नामकरण दूसरे बेटे शाह शुजा के नाम पर है। ध्यान से सुनिएगा, शाह शुजा, तो सुजा से बन गया, उसे सुजा कहा जाता था, तो सुजा से बन गया सुजालपुर। क्या हो गया? सुजालपुर। इसके चार बेटे थे, याद रखिएगा। सबसे बड़ा था दारा सिकोह। कौन था बेटा? दारा सिकोह, जो इसी के साथ में रहता था। फिर बात करते हैं शाह शुजा, कौन था? शाह शुजा। फिर बात करते हैं औरंगजेब, औरंगजेब इसी का बेटा था। और एक बेटा था मुराद, एक बेटा था मुराद जो गुजरात संभालता था। समझ में आ रहा है सब? हाँ ठीक है, पहले भी बताया था। गोल्याखेड़ी सुना सुना लग रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मुगल वंश के पतन के बाद 1732 ईस्वी में, मुगल वंश के पतन के बाद 1732 ईस्वी में शाहजहांपुर सिंधिया राजवंश के हाथों में चला गया था। किसके हाथों में? सिंधिया राजवंश के हाथों में शामिल कर लिया गया था, तथा इसी अवधि में नाम परिवर्तित करके शाहजहांपुर कर दिया गया। मतलब कि सोचो रे मेरे भाई कि शाहजहां के नाम पर शाहजहांपुर नाम रखा, वहीं आप ये भी तो सोचो मेरे भाई कि शाहजहांपुर को वापस नाम बदल कर दिया गया क्या? शाहजहांपुर, ये नाम बदला किसने? तो याद रखिएगा, ये नाम बदला सिंधियाओं ने। किसने बदला है? सिंधियाओं ने नाम बदला है, ठीक है। तो ये यहां से स्क्रीनशॉट लेकर आप जल्दी से क्वेश्चन आंसर निकालिए, नोट्स बनाइए, पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। एक दिन की गैप होगी, दो दिन गैप होगी, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे, पर पढ़ाएंगे, टोटल पढ़ाएंगे, आप सब्र रखिए बस, ठीक है ना। आगे बढ़िए। भारत वामानिया जी, आ गए आपका मैसेज भाई, ठीक है सर जी। कल का लेक्चर आज डलेगा ना? आज मंडे है भाई, आज मंडे है भाई, है ना, ठीक है ना। ये क्या है? पहचानो ये जगह, जिसने पहचानी उसको इनाम है, लेकिन कोई नहीं पहचान पाएगा। जल्दी से बिना समय गवाए मैं बता देता हूं मैंने क्या हुआ था। मैंने ये कहा था कि दांगी सर को फोन लगाया मैंने, हमारे एक सर है वरिष्ठ शिक्षक, हमारे हिंदी के ज्ञाता, बाल विकास, संस्कृत सबके। मैंने दांगी सर को कहा, सर कोई शाहजहांपुर में अच्छी जगह बताओ। उन्होंने कहा, है ना मेरा घर। हाँ, तो ये है दांगी सर का घर, आ गया बीच में। हालांकि ये मुगलकालीन है, ये भी ये बहुत पुराना है, मुगल कालीन है, बाद में इसका ढांचा बनवाया गया, इसका जीर्णोद्धार करवाया है बीएस दांगी सर ने। तो याद रखिएगा, ये तो सामने आ गया है, फोटो डली हुई, तो ये है दांगी सर का घर, दांगी सर का घर। जो नहीं जानते बेटा उन्हें मैं बता दूं, दांगी सर हमारे शिक्षक है और वो भी सारे विषय पढ़ाते हैं, तो उनका घर शाहजहांपुर में ही है। तो मैं आपको बता दूं, आप कहोगे कि सर ये क्यों लेकर आए, तो मैं आपको एक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इनके गांव का नाम है, इनके गांव का नाम है मोरटा केवड़ी। क्या नाम है? मोरटा केवड़ी, मोरटा केवड़ी। ये जो गांव है मोरटा केवड़ी, ये शाहजहांपुर जिले में आने वाला मोरटा केवड़ी की अगर बात करें, तो यहां पर एक मंदिर है जो कि बड़ा प्रसिद्ध है, एक मंदिर है जो कि बड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा है? हिमालयेश्वर, हिमालयेश्वर, हिमालयेश्वर महादेव, हिमालयेश्वर महादेव की बात करता हूं। ये गांव धार्मिक पूजन पाठ में भी बड़ा अग्रणी है, ठीक है ना। तो हिमालयेश्वर महादेव मंदिर की जब पूछा जाता है, तो उत्तर दीजिएगा मोरटा केवड़ी। जिला कौन सा आता है? शाहजहांपुर। जिला कौन सा आता है? शाहजहांपुर। बोलो हाँ, पल्ले पड़ रही है, गजब को घर है सर, लखपति है ही तो भारत के एरिया है दांगी सर को घर, तो गजब को ही तो लखपति है। हाँ दादा, दिल से बड़ा लखपति है, ठीक है ना सर। इनके साइड में हमारा घर अनुराधा दांगी, थोड़ा सा आज्ञा जाऊं क्या? जाऊं क्या उधर? अयाड़ी के अयाड़ी पाछेरी गयो की आज्ञा है? पाछेरी गयो जद, फिर अगली बार देखेंगे।
फिर आएगा चाय आए पिवा जो है चाय पिवाड़ जो, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट पर आ जाइएगा, नेक्स्ट पर आ जाइए भाई। हिमालयेश्वर महादेव मंदिर मोटा केवड़ी जिला साजापुर, याद रखने वाली योग्य बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आइएगा, ये देखिएगा वापस से इतिहास पर आते हैं। वर्ष 1904 में साजापुर एक जिले के रूप में घोषित किया गया। सुनना रे मेरे दोस्त, मैंने शुरुआत यहीं से की थी, मैंने इतिहास को यहीं पर आकर रोका। फिर सुनिएगा, सिंधिया वंश के महादजी शिंदे के पिताजी थे राणोजी शिंदे, उनकी जो मृत्यु हुई थी 1745 में, वो मृत्यु हुई थी सुजालपुर जो वर्तमान में तहसील है, तब तो नहीं थी पर अब जो सुजालपुर तहसील है वहां राणोजी सिंधिया की मृत्यु हुई थी। बोलो हां, ठीक है ना। ओके आगे देखेगा, पोलाई से 3 किलोमीटर दूर अभी से, बहुत बढ़िया पोलाई कला। सुजालपुर में राणोजी की छतरी, छतरी का मतलब होता समाधि। एक भी बच्चा गलती नहीं करना गो दादा, उन्हें टाइम बहुत पानी गिरता था, छतरी भूल ही गया था। छतरी मतलब होता है समाधि। और आप इंदौर में भी आकर देखोगे तो मैंने आपको इंदौर का पार्ट टू डाला पर्यटन का, उसमें छतरी का मतलब मैंने बताया मंदिर बने हुए, जिसमें एक शिव मंदिर बना है, इसे राणोगंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना था? राणोगंज के नाम से। इसे राणोगंज के नाम से जाना था। कौन सा स्थान? कौन सा स्थान राणोगंज के नाम से जाना जाने वाला स्थान कौन सा है तो याद रखिएगा, राणोजी सिंधिया की समाधि कहां है। आपसे पूछा जाए लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है, आपसे पूछा जाता है कि तात्या टोपे की समाधि कहां पर है, आपसे पूछा जाता है अहिल्या देवी की समाधि कहां पर है, उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा राणोजी सिंधिया की समाधि कहां पर है, तो सुजालपुर में आता है जिला साजापुर, और उस क्षेत्र को, उस जगह को राणोगंज के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर में जाओगे गलती कर जाओगे, क्यों? क्योंकि ग्वालियर के राजाओं के अंडर में ही था यह साजापुर। आप जाओ बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम जब देखोगे तो बालकृष्ण शर्मा नवीन यही के कवि में बताने वाला हूं, उनका जन्म देता है वो कहां पर? भियाना गांव ग्वालियर। ग्वालियर रियासत थी, ग्वालियर के राजाओं का राज था, पर अब तो साजापुर है ना, अब साजापुर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखें, साजापुर एक कृषि प्रधान जिला है। साजापुर कैसा है? एक कृषि प्रधान जिला है। यहां पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मैं आपको एक और प्रश्न बताता हूं, गहरी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी, जो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। साजापुर के लोग अभी हाल अभी अभी वर्तमान की स्थिति देखो तो एकदम पगलाए हुए घूम रहे, एकदम मस्त है। और किसमें मस्त है? वो प्याज को बेचने खरीदने में व्यस्त है। समझ में आ रहा है ना? तो प्याज लहसुन आलू गन्ना गेहूं चना सोयाबीन मक्का जो बाजरा, इस तरह की खेती साजापुर जिले में अधिक की जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। राणोगंज हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है कनन पूर्बिया जी, बहुत बढ़िया। ओके योगेश राठौर जी आ जाएंगे भाई, वो एक क्लास बीच में लानी पड़ी। कन्नौज देवास से, बहुत बढ़िया भाई लक्ष्मी नारायण जी, कन्नौज देवास खतगांव से 20 किलोमीटर पहले, ठीक है ना। ओके ओके भाई, बहुत बढ़िया लखन जी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट पर आइए। शाजापुर जिले का मक्षी शहर एक औद्योगिक शहर है। आप गांठ बांध लो इस बात की कि जब भी पूछा जाएगा प्रश्न तो ऐसे आता है। मैं बताऊं प्रश्न, सुनो। पूछा जाता है पीथमपुर किस जिले का औद्योगिक नगर है? उत्तर दे के आना, धार जिले का है। पूछा जाता है मंडीदीप किस जिले का औद्योगिक नगर है? तो उत्तर दे के आना आप, रायसेन जिले का। पूछा जाता है कि पीलूखेड़ी किस जिले का औद्योगिक नगर है? तो उत्तर दे के आना, राजगढ़ का है। ठीक उसी तरह से सेम टू सेम प्रश्न बनेगा, मक्सी किस जिले का एक औद्योगिक शहर है? तो उत्तर दे के आना फिर मेरे दोस्त, साजापुर जिले का। कहां का है? साजापुर जिले का। यहां डाबर प्लांट प्रसिद्ध है जो कि यहां पर स्थापित है। आगे देखिएगा, सुजालपुर में एक बड़ी अनाज मंडी है। कहां पर? सुजालपुर में, जो कि अमूमन सभी जगह होती भी है। काला पीपल में सोयाबीन कारखाना है, ये हमें साजापुर के नजरिए से जरूर याद रखना है। सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र एशिया का उज्जैन में, लेकिन सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, देखो संयंत्र भंडारण स्टोरेज अलग है, लेकिन रिसर्च सेंटर सोयाबीन के बीजों पर रिसर्च की जाती है, वो इंदौर में खंडवा रोड पर। तो रिसर्च सोयाबीन, सोया रिसर्च सेंटर खंडवा रोड इंदौर, और सोयाबीन जो संयंत्र है
वो प्लांट है सोयाबीन प्लांट, वो उज्जैन में है, और सोयाबीन का कारखाना जो है वो काला पीपल में है, कहां पर? शाजापुर का, ठीक है। शाजापुर मालवा पठार के अंतर्गत आने वाला जिला है और यहां की बोली मालवी है, यह डबल टाइप हुआ है, मैं पढ़ा चुका हूं। शाजापुर की सर्वोत्तम चोटी भैरो डोंगरी है, कौन सी है? भैरो डोंगरी यहां की चोटी है जो 473 मीटर ऊंची है। जैसे कि मैं अगर इंदौर पढ़ा रहा होता तो मैं आपको यहां पर कहता कि यहां के सबसे ऊंची चोटी जो है वो जानापाव चोटी है, जहां पर स्थल माना जाता है, चंबल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, परशुराम की जन्मस्थली मानी जाती है। तो याद रखिएगा 443 मीटर ऊंची, इसके उच्च बिंदु पर एक मंदिर है। इस स्लाइड में क्या है वो सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। मक्सी एक शहर है जो कि शाजापुर जिले में आता है और वह शाजापुर जिले का एक औद्योगिक नगर है। अगर आपको ऐसे छोटे से प्रश्न इस लाइन को देखकर लग रहा है कि सर कोई दम नहीं है, तो मैं आपको दम निकाल के देता हूं। पूछता है ना हर बार कि पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले में आता है, तो धार में आता है। मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया किस में आता है, रायसेन में आता है। पीलूखेड़ी औद्योगिक नगर किस जिले का है, तो वो राजगढ़ का है। ठीक उसी तरह से पूछा जाएगा मक्सी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है, तो वो किस में आता है, शाजापुर में आता है। मतलब कि जहां जहां से प्रश्न बनते हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूं। बोलो हाँ, रणोगंज नेवज नदी के किनारे यहां भी मेला लगता है, बहुत बढ़िया राहुल मेवाड़ा जी। अच्छा राहुल यहीं से है ना आप, ठीक है। शाजापुर जिले के बलारा डेरा में, सुनना ध्यान से, प्रदेश का दूसरा विष संग्रह केंद्र है। कौन सा है? विष संग्रह केंद्र। और इस विष का मतलब होता है क्या? जहर, जहर, जहर होता है। क्या होता है? जहर, कतई जहर, बोई वाला कतई जहर, खा लो तो निपट जाओ। ये विष संग्रह केंद्र क्या होता है आप सोच रहे होंगे, हां सर वो मैं समझ गया, वो जो खेत में वो छाटा है नहीं, वो इल्ली मारने की इल मार दवाई, उस जहर नहीं, वो जहर नहीं। यहां पर क्या है, सांपों का जहर निकाला जाता है सांपों के दांतों से, और वो जहर जो होता है वो संग्रहित किया जाता है। आप सोच रहे होंगे सर सांप का जहर निकाल के कई करे नहीं ना चीज के, ध्यान से सुनिएगा, सांपों के जहर को निकालकर सांपों को ही एंटीडोज दिया जाता है। मतलब जहर निकाला उनके दांतों से, उस जहर से उस सांप के पूरे शरीर के पूरे क्रमानुक्रम को पता कर लिया जाता है कि ये किस अभिक्रिया को किस प्रतिक्रिया को झेल सकता है क्या नहीं है, जरूरत पड़ने पर उसी पर यह प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना, साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा प्राची कर्मा कह रहे आपको बोलते हैं ना सर कि कतई जहर लग रहा है, हाँ वही वाला जहर, कतई जहर, ठीक है। शाजापुर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वनवृत्त है, सबसे छोटा वनवृत्त, अरे सीधी सी बात है, वृत्त मतलब ये गोला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एरिया। सबसे बड़ा वनवृत्त कौन सा है, तो उत्तर आएगा खंडवा, क्लियर हो गया, दोनों चीज देखिएगा। गरीबनाथ का मेला लगता है, कहां पर लगता है, तो देखो प्रश्न अभी तक जो पूछा जाता है वो सीधा सा आता है, गरीबनाथ का मेला कहां लगता है, तो शाजापुर में लगता है। मैं याद करवा के छोड़ूंगा अभी के अभी, एक ही मिनट में, कैसे सुनो, ये नाथ संप्रदाय, गरीबनाथ, नाथ लिखा मतलब नाथ संप्रदाय का मेला है, ये कहां लगता है, तो बाबा गरीबनाथ का मेला जो होता है उनकी स्मृति में चैत्र माह, चैत्र बोले तो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ अषाढ़ श्रावण भाद्र कुंवर कार्तिक अगहन पौष माह फाल्गुन, ये हिंदी के 12 महीने जिसे आप कहते हैं जनवरी फरवरी, लेकिन चैत्र जनवरी से शुरू ना होकर चैत्र मार्च और अप्रैल से शुरू होता है, मार्च के मध्य से और अप्रैल के मध्य तक चलता है, मार्च अप्रैल। बहुत सारे एरिया में हमारे शाजापुर वाले बेल्ट में कहता था चैत हुई गई, चैत हुई मतलब कि गेहूं की कटाई हो गई, मार्च का महीना हो गया, ऐसा। यह अवंतीपुर बड़ोदिया में लगता है, अगर पूछा जाए शाजापुर में कहां लगता है, तो कह देना अवंतीपुर बड़ोदिया में लगता है, लेकिन बहुत रेयर केस 99% पूछता है गरीबनाथ का मेला किस जिले में लगता है, जिस तरह से लगता है ना जल बिहारी का मेला पीएससी में पूछा 12 जनवरी 2020 को, जल बिहारी का मेला हमने कहा छतरपुर में लगता है, उसी तरह से ध्यान से सुनना, शाजापुर का मेला शाजापुर में लगता है, गरीबनाथ का मेला, मेरी बात सुनो रे, एक बात बोल रहा हूं, गरीबनाथ, गरीबनाथ कौन सा है, गरीबनाथ का मेला, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा गरीबनाथ का जो मेला लगता है, तो ध्यान सुनना कहां लगता है, तो जो गरीब बच्चा होता है वो फटे कपड़ों में होता है, लेकिन जब आप मेले जाते हो तो गरीब बच्चे को लेकर अगर जाओगे तो फटे कपड़े में जाओगे या उसे नया कपड़ा पहनाकर
सजा धजा कर ले जाओगे तो आप उसे भी तो सजा कर ले जाते हो कि नहीं, तो उसे भी तो कह दो गरीब का बच्चा जब मेले में जाएगा तो कैसे जाएगा, साज होकर, पूरा सज्जे होकर, मतलब कि सज धज के। तो गरीबनाथ का मेला लगता है साजापुर में। और एक और प्रश्न बता रहा हूं, एक और मेला लगता है जिसे कहते हैं देवी दुलारी का मेला। कौन सा लगता है? देवी दुलारी का मेला, यह भी साजापुर में लगता है। इसी से कनेक्ट करो, इसी से कनेक्ट करो। एक गरीब के बच्चे को भी सजा धजा कर ले जाना का काम कौन कर सकती है? याद रखना, मां वो देवी है जो बच्चे को दुलार करती है। एक देवी ही है मां, एक ऐसी देवी है जो बच्चे को दुलार करती है और गरीब बच्चे को भी सजा कर मेले में ले जाती है। तो गरीबनाथ का मेला और देवी दुलारी का मेला, ये दोनों साजापुर में लगते हैं और ये आपको MPSI तक में भी पूछे जाते हैं। बोलो हां, बड़ोदिया से हूं, यही लगता, राहुल मालविया जी कह रहे हैं, ठीक है ना? मेरी बात समझे, मैंने क्या कहा? गरीब का बच्चा मेला देखने जाएगा, गरीब का नाथ, अनाथ समझ लो, अनाथ बच्चा जो गरीब का है मेला देखने जाएगा, वो तो अनाथ है, उसके पास कपड़े नहीं, तो तुम क्या करोगे? उसे सजा कर ले जाओगे। सजा कर मतलब कि साजापुर, पूरा सजाओ। साजापुर जिले में लगता है। इतना कठिन काम कौन करेगा कि गरीब के अनाथ बच्चों को पूरा सजा कर ले जाए? देवी दुलारी, दुलार, दुलार का मतलब होता है लाड़ प्यार करना। ये देवी मतलब मां, देवी स्त्री, सजा कर ले जाएगी। तो देवी दुलारी का मेला और गरीबनाथ का मेला साजापुर में लगता है। बोलो हां, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है ना? ओके, मंडला जिले से सौरभ जी, बहुत बढ़िया। भाई 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 भाई, हूं तो भूलिज गयो दादा, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, समय हो गया अपना, वीडियो को लाइक करो, जल्दी से वीडियो लाइक करो। अभी 935 पे वीडियो लाइक जाकर 1135 पर टिके, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बहुत लोगों ने नहीं किया, मैंने समय ही नहीं दिया। लाइक करो, करो, करोना कोरोना नहीं, करोना। आगे बढ़ जाऊं, देखिएगा, शाजापुर में प्रदेश का, ये इसे रफ कर रहा हूं मैं, यहां पर लिख दे रहा हूं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कहां पर? यहां पर गरीबनाथ का मेला लगता है, यहां पर एक लिख देता हूं, देवी दुलारी, ठीक है ना? कोई लोग दुलारी कहते हैं। एक अनोखा उत्सव होता है कंस वधोत्सव। कंस मतलब कि वो मामा कंस, जिनको कन्हैया ने मारा था, पटक पटक के मारा था, अरे बुरे मारा था, अरे सब मारा था पटक के मैदान में। और वधोत्सव, वध का मतलब होता है मारना, उत्सव का मतलब होता है वही मेला, कंस वधोत्सव। रावण के वध पर, रावण के जलाने पर दशहरा मनता है, तो कंस का याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कंस की मृत्यु पर उत्सव मनाता है? शाजापुर। साजापुर प्रश्न नहीं मिलेगा कहीं से कहीं तक, साजापुर है, ठीक है ना? याद रखिएगा, साजापुर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। एडमिशन कैसे लेना ऑनलाइन क्लास में? सत्याधि शर्मा क्लासेस के नंबर पर फोन लगाओ बेटा, सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना? कल ही कर दिया था लाइव, तो वो तो बहुत सारे बच्चों ने। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ, ठीक है ना? ठीक है ना, टाइम बताओ। भैया कल 12 बजे, कल 12 बजे, एप्लीकेशन वाले सुनना, एप्लीकेशन वाले, कल 12 बजे ऐप पर लाइव टेस्ट स्टार्ट होगा। कल 12 बजे ऐप पर लाइव टेस्ट स्टार्ट होगा, टेस्ट दे देना। 50 टेस्ट सीरीज का हमने वादा किया है, टेस्ट सीरीज आपको मिलना शुरू हो गई है। श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की बात करें, यह मध्य प्रदेश के हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ व्यंग्यकार और पद्म भूषण से सम्मानित। श्री नवीन जी का जन्म 8 अगस्त 1897 को भ्याना गांव, जिला शाजापुर। आप गूगल पर जाओगे तो आपको मिलेगा ग्वालियर। क्या मिलेगा? ग्वालियर। और वो ग्वालियर क्यों देगा? वो ग्वालियर दे रहा है इसका मतलब यह है कि उस समय पर ग्वालियर में था। कहां पर? 1897 में ग्वालियर में था, जबकि 1904 में जिला बना था। सब चीज समझ में आ रही होगी? हाँ भाई, सब चीजें क्लियर हो रही ना? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। भयाना गांव साजापुर में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1897 में। बालकृष्ण शर्मा नवीन के नाम से एक PG महाविद्यालय, किस नाम से है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जिसे कहते हैं BKSN PG कॉलेज। तो BKSN PG कॉलेज कठिन हो जाता है तब जब आपको फुल फॉर्म ना पता हो। वो पूछेगा BKSN PG कॉलेज का है? आप सोचोगे ये कॉलेज इतना फेमस है कि पूछ लिया, इसका मतलब है बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका नाम था बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनको उपाधि दी गई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? जैसे अज्ञेय जी,
जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन उनका नाम था, अज्ञे तो उनको उपाधि थी। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख हस्तियों में याद रखिएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब का नाम याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के कवि रहे हैं। आगे बढ़ जाएं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसके बाद ठीक 5 मिनट बाद गुप्ता सर की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट होने वाली, कंटिन्यू, ठीक है ना। मेरा लेक्चर जैसे ही खत्म हुआ, गुप्ता सर की आपको करंट अफेयर्स की क्लास जो आपकी डेली चल रही है 5 से 6 वो शुरू हो जाएगी। आप इसका मजा लीजिए। लाइट ठोको रहे दादा, बहुत बढ़िया, उम्दा। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब स्पीड पकड़नी होगी, उसका रीजन है, स्पीड इसलिए पकड़नी होगी कि परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए सामने हमें दृष्टिगत करना है उसे, तो याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज और सुनिएगा, आप में से इच्छुक बच्चे जो भी ऑफलाइन क्लासेस आना चाहते हैं, दीपावली के बाद आप सब आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। दीपावली के बाद में सुन रहे ना बेटा, दीपावली के बाद में सत्याजी शर्मा क्लासेस में हमेशा आपका स्वागत है। हमसे जरूर मिलना जब सुजालपुर आओ तो, ठीक है कनन जी, ओके। भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, मैं कह सकता हूं भारत के जितने भी जैन प्राचीन मंदिर है उन जैन प्राचीन मंदिरों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला मंदिर है पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर। साथ में दूसरी चीज याद रखिएगा, राज राजेश्वर मंदिर की बात करूं तो यह 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया परमार कालीन मंदिर है, और राजा भोज परमार वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा रहे, राजा भोज जिन्होंने भोपाल का भोजताल बनवाया है उसका निर्माण करवाते हैं। मंगलनाथ मंदिर, कभी गच्चे में मत आना, मैं यही क्लियर कर रहा हूं, स्पीड तेज है मुझे पता है, इसी स्पीड से चलना होगा। उज्जैन में भी है मंगलनाथ मंदिर, जिसे पृथ्वी का केंद्र कहते हैं आध्यात्मिक रूप से, वो जगह जहां पर 21 जून को बिल्कुल लंबवत सूर्य समकता है, या चिल्लर नदी जिसे आप कहते हैं चिल्लर नदी के किनारे राजराजेश्वर मंदिर के पीछे स्थित है कौन सा, मंगलनाथ मंदिर। मुल्ला शमशुद्दीन का मकबरा यही मिलेगा, काशी नगर की मजार शरीफ यही मिलेगी, और बोलई हनुमान मंदिर बहुत ही प्राचीन, बहुत ही प्रसिद्ध है, क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। पूछा जाता है वहां के जो लोकल बच्चे वो जानते होंगे कि हाँ साहब मैं इनके बारे में बताऊं तो मुझे आधा घंटा भी बताने में कम लग जाएगा, इतना है सब पढ़ा हुआ मैंने बोलई हनुमान मंदिर के बारे में, तो ये बड़ा प्रसिद्ध है, खासतौर पर याद रखिएगा, ठीक है ना। लास्ट मंजुला मंडलोई, लास्ट स्लाइड बेटा, लास्ट स्लाइड ये देखो, आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो मैं इसकी लास्ट स्लाइड निकाल कर देता हूं आपको, ये देखो लास्ट स्लाइड में भी सिर्फ दो लाइन बची है, क्या है, चिल्लर डैम कौन सी नदी पे, नाम से स्पष्ट है चिल्लर नदी पर बना हुआ है, चिल्लर लिखा हुआ है, मैं आपको किताबी भाषा से भी लेकर चलता हूं, और अपना जो मेन है चिल्लर डैम यहां सुनिएगा, इस नदी का प्राचीन नाम चंद्रलेखा नदी था, क्या नाम था, चंद्रलेखा नदी था। जब शाहजहां ने यहां पर निर्माण करवाए थे किन्हीं चीजों के, तो इसकी दिशा बदला दी थी, ये पहले उत्तर की ओर बहती थी, समझ में आ रहा है, आगे देखेंगे। शाहजहांपुर का किला जो है, इस किले का जीर्णोद्वार राणोजी सिंधिया ने करवाया था, किसने करवाया था, राणोजी सिंधिया ने करवाया था। तो याद रखिएगा कि शाहजहांपुर का किला शाहजहांपुर में ही है, पर उसका जीर्णोद्वार किसने करवाया था, तो याद रखिएगा सिंधिया वंश के राणोजी सिंधिया ने। राणोजी सिंधिया की समाधि भी सुजालपुर में, सुजालपुर का नाम शाहजहां के बेटे शाहशुजा के नाम पर रखा है, और शाहजहांपुर का नाम स्वयं शाहजहां के नाम पर रखा गया। क्लियर हो आप सभी को चीज, तो भाई जाते जाते, हाँ क्लास का टाइम पता नहीं था, मैं आपको बताऊं क्लास कैसे पता करना है, ध्यान सुनिएगा। जब भी आपको क्लास पता करना है कि भाई साहब पता नहीं कौन सी क्लास कब रख दी होगी, तो आप जल्दी से YouTube पर जाया करें और वहां पर जिस भी टीचर की क्लास होने वाली है, जैसे कि मेरी क्लास थी, गुप्ता सर की क्लास है, हिंदी की क्लास रही, ये सारी क्लास कल रात को ही डाल दी गई थी, जिससे आपको पता चल जाता है कि कल कितने बजे किसकी क्लास है, ठीक है। चलिए भाई, आपसे मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना जाते जाते, बिल्कुल पैनिक मत होइए, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपके दिमाग में जो सवाल है मैं क्लियर करके जा रहा हूं। मध्य प्रदेश जिलेवार श्रृंखला जो पढ़ा रहा था मैंने, पूरा 8 जिले का जबलपुर संभाग, 8 जिले का इंदौर संभाग, 7 जिले का उज्जैन संभाग आज खत्म कर दिया है, मतलब कि 23 जिले में आपको कंठस्थ करा चुका हूं, आप जाकर वीडियो देख लीजिए। अब मैं शुरू करूंगा सागर संभाग, और सागर संभाग में सबसे पहले स्वयं सागर जिला पढ़ाऊंगा, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की भूमि के बारे में और बंजारा झील की चर्चा में करूंगा, तो बने रहिए। इसके बाद देखिए आप करंट अफेयर्स, मुझे दीजिए विदा, जय हिंद, धन्यवाद।